11 बज गए। आ गया, अब ये प्लेन गिरेगा। मजा आ गया। तो प्लेन में आप तीनों के हस्बैंड्स के अलावा सिर्फ पायलट था। और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। देखिए, अथॉरिटीज से हमने पूरी पूछताछ की और उन्होंने बताया कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। तो फिर आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, कि प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर इनका खून किया है? उन्हें कई दिनों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। देखिए, आप तीनों के हस्बैंड जाने माने बिल्डर्स हैं, तो धमकी वगैरह तो हो सकता है कि ऐसे कॉल्स आ गए हों, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था बता सकते हैं? हाँ, वो तीनों सूरत जा रहे थे कोई जमीन खरीदने, पर कुछ बिल्डर्स थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये डील हो। हाँ सर, करोड़ों की डील थी, जरूर ये काम उन्हीं में से किसी का होगा। अगर धमकी भरे कॉल आ रहे थे तो आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? सर, हम पुलिस के पास जाना चाहते थे, पर हमारे पतियों ने हमें रोक लिया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? खबरदार, अगर उस सूरत वाली जमीन के बारे में सोचा भी तो, समझे? धमकी दे रहा है मुझे? धमकी ही समझ लो तुम। कल सुबह 11 बजे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लोगे तुम। तुझे जो करना है कर ले, ये डील तो मैं करके रहूंगा। प्लेन क्रैश भी ठीक 11 बजे हुआ था सर। 11 बज गए, अब ये प्लेन गिरेगा। ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता? आप ही बताइए सर, क्या एक जमीन का टुकड़ा किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है? देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जिस किसी ने भी ये किया है उसे हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। सर, हमें 5 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए, आज तक एक भी गलती नहीं हुई है। हमारे काम में सर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर सर प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे उड़ने नहीं देते सर। तो आप लोगों के हिसाब से प्लेन में कोई खराबी नहीं थी? बिल्कुल नहीं सर। तो क्रैश कैसे हुआ प्लेन? चार लोगों की जाने गई है, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये हादसा हुआ कैसे। फ्लाइट रिकॉर्डर पता है ना आपको, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल कहने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिटेल में बताइए। शुरू से, टेक ऑफ होने से पहले से क्या हुआ था? हमने पूरा प्लेन चेक करके पायलट को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद वो तीनों बिजनेसमैन प्लेन में बैठकर सूरत के लिए निकल गए। टेकऑफ का परमिशन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मिलता है मेन टावर से। कल हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोगों ने टेकऑफ की प्रक्रिया शुरू की थी। आप रेडी? क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या हुआ सर? मदन को जिस फोन से धमकी भरे कॉल किए जा रहे थे ना, वो क्रैश वाले दिन यहीं पे था, इसी एयर स्ट्रिप पे। सर, अगर फोन यहीं पर था तो किसी अंदर वाले का हाथ है। क्यों? हाँ?
नहीं सर, हमने किसी को भी कोई भी धमकी भरे फोन नहीं किए। तुम लोगों ने नहीं किया तो कोई बाहर वाला घुस गया होगा। यही सिक्योरिटी है सीआरएस ट्रिप की। अगर वो आदमी यहाँ पे आया था तो कोई ना कोई निशान तो जरूर छोड़ के गया होगा। चेक करते हैं। सर ये जगह तो पूरी खुली हुई है सर, अगर वो कहीं छुपा होगा तो कहीं हैंगर के पास छुपा होगा सर। ठीक है, वहां देखते हैं। चलो हैंगर के पास चलो। सर ये टूटा हुआ फोन मिला है। सर लगता है वो धमकी भरा कॉल इसी से क्या होगा। हो सकता है तोड़ के फेंक दिया। रख लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कहाँ पे मिला था ये? सर यहाँ। सर ये देखिए, ये कान जैसा कुछ लग रहा है। तो कान का निशान यार, फोन भी यही मिला है और ये निशान भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुजरिम यही दीवार पे टेक लगा के फोन पे बात कर रहा हो और हमारे लिए अपना कान का निशान छोड़ गया हो? काम करो, फोटो ले लो उसके। सर वो कान के निशान से कुछ पता चलेगा? अरे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। चारुंगे साहब को देंगे, वो ढूंढ निकालेंगे। सर दो लाशें मिल गई है, अंगद और मदन की। और सुमित और वो प्लेन का पायलट ढूंढ रहे सर, अभी तक पता नहीं चला। आप लोग प्लीज रोइए मत, हौसला रखिए। देखिए हम आपसे वादा करते हैं, आपके पतियों का खूनी नहीं बचेगा हमारे हाथों से। सर सर वो फोन तो मिल गया जिसे धमकी भरे कॉल किए गए थे, लेकिन लेकिन सर हमारे वहां पहुंचने से पहले खूनी ने फोन तोड़ दिया ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। सर हम जानते हैं सब किसने किया। जानते हो किसने किसने किया खून? रणदीप और शशि ने। रणदीप और शशि कौन है? सर ये दोनों भी बिल्डर्स हैं। ये नहीं चाहते थे कि हम तीनों के पतियों की वो डील सक्सेसफुल हो। जानता था मैं जानता था इस जुर्म का सारा इल्जाम हम दोनों पे ही लगने वाला है। आपकी तारीफ। सर यही है वो दोनों खूनी, रणदीप और शशि। पता नहीं इन औरतों की हमसे क्या दुश्मनी है, चाहे कुछ भी गलत क्यों ना हो ये हम पे इल्जाम लगाती हैं। और एक बार पहले भी इन्होंने हमें झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था। अच्छा किस जुर्म में गिरफ्तार करवाया था तुम्हें, जरा हमें भी तो बताइए। सर जब पहली बार अंगद को धमकी भरे कॉल आ रहे थे तो मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी इस संदीप के खिलाफ, और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया, पर बाद में मैं निर्दोष साबित हुआ। हाँ सर असल में वो धमकी भरे फोन कॉल उन गांव वालों के थे जिनकी जमीन ये लोग लेना चाहते थे। हाँ तो वो गांव वाले अब भी जेल में, तो ये गंदी हरकत तुम लोगों के अलावा और कौन कर सकता है? देखा सर फिर से हम पर इल्जाम, अगर ये हमने किया होता तुम सीआईडी के पास क्यों आते? कोई बात नहीं, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि हमें वहां पे मुजरिम के कान का निशान मिला है। बस उससे तो हम पता लगा ही लेंगे कि खूनी है कौन। ये
दीवार पर जो गीला पेंट था उस पर जो ये कान का प्रिंट है, इस कान के प्रिंट को देखो, कुछ दिखाई देता है कान पर? इस कान के प्रिंट पे स्टार जैसे कुछ शेप का इम्प्रिंट है। और एक बात और, ये जो मुजरिम है ये समुद्र के आसपास रहता है। ये कैसे पता चला सर? मैं बताता हूँ, ये फोन के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, इस पर मुझे कुछ समुद्री रेत और मछली के कांटे के टुकड़े मिले। अच्छा अच्छा, तो जब उस आदमी ने अपने जूते से इस फोन को तोड़ा होगा तो वो रेत और मछली के कांटे उसके जूते से निकल के फोन में चले गए। जूतों में रेत और मछली के कांटे, हो सकता है ये आदमी किसी फिश मार्केट के आसपास रहता हो। फिश मार्केट तो है ना यहाँ पे दो, एक वर्सोवा जट्टी पे और दूसरा मड आइलैंड पे। बस अभी अपना काम हो गया, दोनों फिश मार्केट में जाकर पता लगाओ, देखो ऐसा कोई है क्या जो कान में स्टार की शेप की इयर रिंग पहनता है। आदमी मिल गया, आ जाओ। किसी से मीटिंग होने वाली है, ये दूसरा आदमी कौन है दिख नहीं रहा है। ये तो सचिन है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने मरने वाले पायलट के लिए इसकी फोटो दिखाई थी। वो पायलट सचिन, सचिन जिंदा है सर? अगर ये प्लेन क्रैश में मरा नहीं और जिंदा है तो यहाँ छुपा क्या कर रहा है? वही तो, सामने क्यों नहीं आ रहा? चलो पूछते हैं इससे।
ये गया कहाँ? सर शायद वो आदमी कुछ ऐसा राज जानता था जो सचिन नहीं चाहता था कि हम तक पहुंचे, और शायद इसीलिए उसका खून कर दिया। सर क्या सवाल करना है आप लोग को मुझसे? आपके पति सचिन के बारे में क्या आप बता सकती हैं, कहाँ मिलेगा वो? ये कैसा सवाल है इंस्पेक्टर? आप लोग को तो पता है ना कि अभी उनका एक प्लेन क्रैश में। जी नहीं, सचिन जिंदा है। जिंदा है? जी हाँ। और आपको शायद ये जान के दुख होगा कि वो एक खून करके फरार है। वैसे कितने पैसे मिले थे सचिन को इस साजिश का हिस्सा बनकर? पैसे? पैसे नहीं मिले। पैसे मिले होते तो मैं यहाँ कॉफी शॉप में काम नहीं कर रही होती, और वैसे भी हमारी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। आपकी शादी ठीक नहीं चल रही थी क्या? मतलब मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम थी? दीप्ति नाम की एक लड़की है, एयर हॉस्टल है। बहुत बार कहते थे भी कि तुझसे डाइवोर्स लेके उसके साथ रहना है। कहाँ रहती, कहाँ है ये? सिंगापुर। सिंगापुर? क्या सचिन जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता सर, हमने खुद अपनी आंखों से उसे प्लेन में चढ़ते हुए देखा है। सर इतने भयानक हादसे में उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है सर। अरे यार पैराशूट वगैरह से कूद गया हो तो? नहीं सर, अगर पैराशूट लेके कूदता तो किसी ना किसी की नजर जरूर पड़ती उस पर। हमसे कुछ मिस तो नहीं हो गया ना? क्या क्या बोल रहे थे तुम, क्या मिस हुआ होगा? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। तुम्हारी बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है, बताओ जल्दी। सॉरी सर, हमसे वो थोड़ी सी गलती हो गई। कैसी गलती? सर जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो हम वहां थे ही नहीं। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग हैं? सर वो प्लेन जब रनवे पे दौड़ रहा था सर, कुछ धमाका हुआ सर। कैसा धमाका? सर किसी ने दिवाली का बम फोड़ा था, तो हम लोग उसको देखने के लिए गए कि कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है। अरे ये तो पटाखा है। और सर जब हम वापस चल के आए तो पता चला कि प्लेन उड़ चुका था सर। ये उस दाढ़ी वाले का ही काम होगा। इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। हाँ पर अभिजीत, क्यों, क्या मकसद हो सकता है इनका ध्यान भटकाने में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। ये जब धमाका हुआ तब प्लेन एयर स्ट्रिप पे कहाँ था, वो जगह दिखाओ। आइए सर, चलो दिखाओ। आइए। एक मिनट अभिजीत, ये तो खून है, सूखा हुआ खून। सर खून का रंग देख के लग रहा है ज्यादा पुराना नहीं होगा, आजकल का ही हो। ये खून किसका खून है? ये यहां पर कैसे? पता नहीं सर। पता नहीं, हर बात का एक ही जवाब है तुम्हारे पास, हमें पता नहीं। अरे तो फिर पता क्या है तुम्हें? सर स्ट्रिप पे खून है, कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये बात तो पक्की है, पर क्या? और फिर ये खून है किसका? बस पता चल गया, एयर स्ट्रिप पे जो खून था वो किसका था? किसका था? ये पायलट सचिन। पायलट सचिन का खून? लेकिन उसे चोट लगी कैसे और कब? सर जब हम उसे चेटी पे मिले थे तब उसने स्लिंग बैंडेज पहन रखा था और उसके हाथ पे पट्टी भी बंधी हुई थी। पर इंजीनियर्स तो बता रहे थे कि जब सचिन टेक ऑफ के लिए जा रहा था तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई चोट वोट नहीं थी उसे। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, सचिन को चोट एयर स्ट्रिप पर ही लगी है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही
सचिन एयर स्ट्रिप पर कूदा और उसे चोट उसी वक्त लगी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा बॉस, क्योंकि इसीलिए सचिन क्रैश में मारा नहीं गया, क्योंकि वो प्लेन में था ही नहीं। लेकिन सालों के साथ किसी ने सचिन को प्लेन में से कूदते हुए देखा किसे नहीं? अरे यार, वो पंकु ने पटाखा चलाया था ना ध्यान भटकाने के लिए। ये सब सचिन और पंकु का प्लान था सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। सचिन की वो गर्लफ्रेंड दीप्ति जो सिंगापुर में रहती है, उसका नंबर मिल गया। सचिन, क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? दीप्ति, एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने सचिन के साथ कब बात की थी? दो दिन पहले। मगर सचिन की बीवी ने तो हमें बताया कि तुम दोनों का रिश्ता टूट चुका है। नहीं, शायद उसने अपनी बीवी को नहीं बताया होगा कि वो मुझसे मिलने सिंगापुर आ रहा है। अच्छा, सिंगापुर कब आने वाले हैं सचिन? अब एक हफ्ते बाद। अच्छा, और क्या क्या बातें हुई तुम्हारी दो दिन पहले? वो कह रहा था कि उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला है और फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे आप सब, ये सवाल, सचिन ठीक तो है ना? घबराओ मत, सचिन को कुछ नहीं हुआ है और अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर फोन करेंगे। थैंक यू। कहीं दीप्ति भी तो नहीं मिली हुई है सचिन के साथ इस सारे प्लान में? पूरी एक काम करो, सिंगापुर पुलिस को सारी डिटेल भेज दो और उनसे कहो कि वो इस दीप्ति पर नजर रखे हैं। सचिन की वाइफ से बात हुई, उसका कहना है कि सचिन का पासपोर्ट घर पे ही है। क्या? सचिन का पासपोर्ट घर पे है और सचिन सिंगापुर जाने की प्लान्स बना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ने नकली पासपोर्ट बनाया हो? नकली पासपोर्ट, ये ढीचू नकली पासपोर्ट बनाने वालों के बारे में बहुत कुछ जानता है। रेडी, एक काम करो, पंकज से कहो कि सचिन का फोटो लेकर वो ढीचू से मिले। यस सर। एक बात और, ये अगर सचिन प्लेन से कूद गया था टेक ऑफ से पहले, तो प्लेन उड़ा कौन रहा था? और सर, जब वो प्लेन से कूदा तो ये मदन, अंगद और सुमित, ये लोग ने हल्ला नहीं मचाया, चुपचाप बैठे क्यों रहे? बस, प्लेन के गिरने पर हल्ला कैसे मचाते ये लोग? तीनों के तीनों बेहोश थे। मगर सर, ये लोग बेहोश हुए कैसे? इन लोगों के पेट में ब्लैक कॉफी थी और उस ब्लैक कॉफी में ही नशीली दवाई मिलाई गई थी। क्या? ब्लैक कॉफी में नशीली दवा? I'm boarding. आपकी कॉफी। थैंक यू। तो फिर ये जरूर सचिन के प्लान का हिस्सा था। सर, एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है, बिना पायलट के प्लेन उड़ा कैसे? इसका जवाब है UAS, UAS, अनइंटरप्टेबल ऑटो पायलट सिस्टम। इस प्रोग्राम के जरिए जमीन पे बैठ के हवा में उड़ते प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है, कहीं से भी। हाँ सर, हम लोग फॉरेंसिक लैब में रह के भी हवा में उड़ते हुए प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को इसलिए बनाया गया कि हवा में उड़ते प्लेन में अगर इमरजेंसी हो जाए या हाईजेक का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका कंट्रोल नीचे वालों के पास भी रहे। मतलब प्लेन के कॉकपिट का कंट्रोल उसके हाथ में जिसके हाथ में वो रिमोट है। हाँ सर, और जिसके पास भी रिमोट कंट्रोल था उसी ने प्लेन क्रैश करवाया समंदर में। रिमोट कंट्रोल वाला खूनी, ब्लैक कॉफी में नशीली दवा,
अगर एक बार पता चल गया ना कि ये ब्लैक कॉफी में नशीली दवा डाली किसने और पिलाई किसने, तो समझ लो ये रिमोट कंट्रोल वाले खूनी तक हम पहुंच गए। रिमोट कंट्रोल, ब्लैक कॉफी। सर मदन तो ब्लैक कॉफी पीते ही नहीं थे, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था। और सर मैंने भी सुमित को ब्लैक कॉफी नहीं दी थी, क्योंकि जिस वक्त वो घर से निकले मैं भी घर पे नहीं थी। देखिए उन तीनों के पेट में से ब्लैक कॉफी भी नहीं थी, जिसमें वो नशीली दवा भी थी। आप लोग तो कह रहे हैं कि आपने किसी ने भी अपने पतियों को ब्लैक कॉफी नहीं पिलाई, तो हो सकता है किसी और ने पिलाई हो उनको, या फिर कहीं बाहर गए थे तो वहां पर पियो। कहीं गए थे क्या? हाँ सर, उन्हें हमारा ड्राइवर रवि एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो शायद हो सकता है अगर उन्होंने कहीं बाहर से कॉफी पी हो तो उसे जरूर पता होगा। रवि जरा बुलाइए उसे, कहाँ है? सर जब से ये हादसा हुआ है उसने काम पे ही आना बंद कर दिया, उसने हमारे फोन भी उठाना बंद कर दिया। मतलब अभिजीत ये रवि कल से गायब है। Excuse me, हटिए जरा, क्या बात है, क्या हुआ? देखिए सर यहाँ से बहुत बदबू आ रही है और अभी पुलिस को भी फोन किया है, अभी तक कोई आया नहीं। हम लोग CID से। सर एक और मौत। Follow me. Pankaj, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते रहना। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ओ ठेचू, मैं घबराता नहीं हूँ समझा, मैं CID से हूँ। चुपचाप चलो, follow me. उधर चलो। आजा पंकज। क्या दोस्त, सुना है तुम बहुत अच्छा पासपोर्ट बनाते हो। किससे सुना? मेरे एक दोस्त ने बताया। दोस्त? कौन दोस्त? ये नहीं, मैं नहीं जानता इसे। दोस्त है तुम्हारा? तुम्हें कोई शक है? बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे मैं, इसका पासपोर्ट भी रेडी पड़ा है बनकर मेरे पास। अरे वाह, फिर तो मेरा भी पासपोर्ट बन जाएगा ना? बन जाएगा, लेकिन दो पेटी लगेगा। अरे यार दे तो ना दो पेटी। बोल क्या चाहिए तुमको? दो पेटी आम चाहिए, दो पेटी सेब चाहिए, क्या चाहिए? ए शाने, दो पेटी मतलब 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख। चलिए बता नाम क्या लिखना है जरा पासपोर्ट पर। सब इंस्पेक्टर पंकज CID। CID? हाँ CID। अरे अरे मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सिर्फ तेरा ही नहीं, सारे नकली पासपोर्ट बनाने वालों का धंधा बंद हो चुका है। जो जो सवाल मैं पूछूंगा ना उसका सीधे सीधे जवाब दे, वरना 2 लाख उठक बैठा कराऊंगा यहाँ पे तुझे, समझा? पूछो पूछो, क्या पूछना है? ये अपना नकली पासवर्ड लेने कब आने वाला है? पता नहीं। पता नहीं? आज शाम को, आज शाम को। देखा पंकज, ठेचूगा कमाल। सर रवि के घर से जो बॉटल मिली है उसमें वही नशीली दवा है जो साड़ों के सर को ब्लैक कॉफी में मिली थी। इस रवि के अलावा और किसी के उंगलियों के निशान मिले उस बॉटल पे? हाँ सर, रणदीप के।
रणदी, ये रणदी ब्यूरो में आकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने रवि का इस्तेमाल किया खून करने में, फिर रवि को ही मार डाला। सर मैंने रणदीप को कॉल भी ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। एक बार ये सचिन मिल जाए ना तो वही पहुंचाएगा हमें इस रणदीप तक। शाम को तो आने वाला ही है वो अपना नकली पासपोर्ट लेने के लिए। मेरा पासपोर्ट रेडी है? हाँ, तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट उससे ले लो, उसके पास है। अरे यार जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सही कहा तूने, तेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस ये फोटो चिपका दूं? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ये सीआईडी का तोहफा है। सीआईडी? बता वो प्लेन क्रैश कैसे किया था तूने? सीआईडी से भाग के टेक ऑफ करना इतना आसान नहीं है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है मुजरिमों को। पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। इस काम के लिए मुझे 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन सर मुझे पता नहीं था कि वो लोग मारे जाएंगे। पैसे किसने दिए थे तुझे ये बता। सर मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक बार बात की थी उससे। पंकज जरा इंटरनेट पर देखो, इस रणदीप का कोई इंटरव्यू वगैरह है क्या? सर मिल गया। मैं अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और सच्चे लगन को देता हूं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं कहां था और कहां आ गया? सर ये उसी की आवाज है सर, आई एम श्योर ये उसी की है। आवाज रणदीप की और वाइल पे उंगलियों के निशान भी रणदीप के। रणदीप सर आगे से राइट। सर ये रणदीप का तो फोन बंद है सर, तो उसकी लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे? अरे फोन बंद है तो क्या हुआ पंकज, उसका वीडियो याद है? उसमें उसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, मैंने वो इंटरव्यू दोबारा चेक किया। मगर सर ब्रेसलेट से लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे? पंकज ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, उस ब्रेसलेट में GPS ट्रैकिंग भी लगाया हुआ है, और ऐसी ब्रेसलेट ज्यादातर ये टाइप 1 डायबिटीज वाले ही पहनते हैं। ब्रेसलेट में GPS होता है सर? हाँ, ताकि अगर मरीज की तबीयत अचानक अगर खराब हो जाए या उसे चक्कर वक्कर आ जाए तो उसके परिवार वाले GPS के सहारे उसे आसानी से ट्रैक कर सके। पर सर ये GPS बता रहा है कि रणदीप कुंदूवाड़ी। यहाँ पर यही कही है, उसकी दिल की धड़कन भी कमजोर होती जा रही है। दिल की धड़कन कमजोर होती जा रही है, यही कही है वो। देख ये मिट्टी अलग क्यों लग रही है, कहीं इस मिट्टी के नीचे तो नहीं? हो सकता है। सर हम तो सोच रहे थे ये रणदीप खूनी है, पर यहाँ तो कोई उसकी ही जान लेने चला था। सर मुझे नहीं लगता कि रवि का खून रणदीप ने किया होगा, क्योंकि ब्यूरो से निकलने के बाद उसकी ब्रेसलेट की लोकेशन यहीं पर थी, वो और कहीं गया ही नहीं। मतलब जिसने भी सचिन को पैसे दिए वो रणदीप नहीं कोई और ही है।
लेकिन सर आवाज तो उसी की थी, उसने खुद पहचानी है। फिर भी आवाज बदल के बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आजकल सर ऐसे ऐसे मोबाइल ऐप्स आए हैं जिसके जरिए कोई भी किसी की भी आवाज में बात कर सकता है। तो फिर कौन कौन है वो जिसने रणदीप को फंसाने की कोशिश की? है कौन वो जिसने ये आवाज बदलने वाला ऐप इस्तेमाल किया? Cheers. Cheers, अनिरा जी, cheers. आइए आइए. आई. मुबारक हो अनिरा जी. मुबारकबाद. वो किसकी है? उस ऐप के लिए. वो ऐप जो आपकी कंपनी ने बनाया, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपनी आवाज बदल सकता है. जी. जी. फेमस सुनेंगे? अनिरा जी, अब तुम अपने जुर्म के लिए जेल जाओगे. अनिरा जी. अब तुम अपने जुर्म के लिए जेल जाओ। ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं है। इसी डिवाइस से तुमने रणदीप को फंसाने की कोशिश की थी ना? पूर्वी, अरेस्ट करो इसे। चलिए मैडम। इतनी भी क्या जल्दी है सीआईडी वालों? जरा उधर तो देखिए। जाने दो उसे। बेवकूफी छोड़ दो ये। छोड़ो उनको। माय गॉड, सुन जा। Well done, girls. आज तक जो बड़े बड़े मुजरिम नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया। सीआईडी को तो नानी याद आ गई होगी। पर वो सब तो ठीक है यार, पर हम चाहेंगे कहाँ? ओरिजिनल प्लान तो ना चौपट कर दिया। सोचते हैं कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी। आइए। जिस देश में औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, कोई ऐसा भी कर सकता है कि अपने ही पति का खून कर दे? बहुत ठोस वजह रही होगी आप लोगों के पास। हाँ, वजह थी। हमारे पति कोई दूध के दूल्हे भी नहीं थे। हाँ, लोगों को तो वो ऐसे दिखाते थे कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर घर में कुछ और ही कहानी होती थी। ना हमें उनसे प्यार मिला और ना ही वफादारी। अंगद ने तो कई बार रिया पर हाथ भी उठाया था,
हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई थी वो। इन सब से तंग आकर हमने अपने पतियों को धमकी भरे कॉल्स करवाए और सोचा मौका अच्छा है तो हमने उन्हें मरवा दिया। और किस्मत देखिए, रणदीप रवि के पास गया वो बेहोशी वाली दवाई लेकर, ताकि हमारे पति मीटिंग में पहुंच ही ना पाए, और ये चीज भी हमारे काम आ गई। तो रवि की वफादारी का फायदा उठाया तुमने, फिर तुम लोगों ने रणदीप को जमीन में गाड़ दिया ताकि हमें ऐसा लगे कि वो जुर्म करके फरार हो गया है। पिंजरे में बंद घुटन भरी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं था, हमें आजादी की हवा में सांस लेनी थी। आजादी की हवा में सांस लेने के और भी तरीके होते हैं अनिरा जी। पति को मारना सबसे गलत रास्ता, सही होता अगर तुम पतियों से अलग हो जाती, लेकिन नहीं, तुम तीनों ने ऐसा रास्ता चुना जो तुम्हें घुटन भरी जिंदगी तक ले जाएगा, और वो भी जेल की सलाखों के पीछे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।